हरियाणा में आजकल अवैध निर्माण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और हरियाणा सरकार में तैनात जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी सुर्खियों में हैं। करनाल में जिस तरह से जिला योजनाकार अधिकारी रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद सोनीपत के आसपास अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों पर जिला योजनाकार विभाग के अधिकारी लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिला योजनाकार अधिकारियों ने सोनीपत के गांव रोहट के खेतों में बनी एक हरियाणवी फिल्म सिटी को ध्वस्त कर दिया। फिल्म सिटी अवैध रूप से बनाई गई थी। कार्रवाई करने के बाद बहुकाले की फेम हरियाणवी सिंगर अनुकाद्यान सामने आई है और काफी भावुक होते हुए बताया कि कैसे उन्होंने इतनी मेहनत से इस फिल्म सिटी को बनाया था। राम राम जी। सबनु के आग्रह के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर जब बेटियां कुछ कर रहे हैं ना तो सरकार यो कर रहे हैं। आज से 15 साल पहले एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था अपनी बोली ने लेकर। वो सपना पूरा करने खातर आज 15 साल हो गए, 15 साल लग गए। और जब वो सपना पूरा होने आया तो सरकार ने एक झटके में सबका सब खत्म कर दिया। वो 15 साल की मेहनत, वो 15 सालों की कमाई, वो हजारों सपने सब खत्म हो गए, एक झटके में सब खत्म हो गया। कि मैंने अधिकार नहीं कोई सपना देखने का, कि मैंने अधिकार नहीं कि मेरी इंडस्ट्री में हजारों बच्चे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ करूं। कि मैंने अधिकार को ना अपनी बोली न ऊपर उठाने का, जो आज मेरे साथ हुआ है आगे तो वो किसी के साथ नहीं होगा, कदे किसी कलाकार के साथ नहीं होगा, और इस मुहिम में आप सबने मेरा साथ देना होगा। धन्यवाद। मिली जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांव रोहट के खेतों में पिछले 1 साल से हरियाणवी कलाकार एक फिल्म सिटी बनाकर वहां पर कई फिल्मों की शूटिंग कर चुके थे, लेकिन ये फिल्म सिटी अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसको तोड़ने के लिए जिला योजना का विभाग कई बार खेत के मालिक को इस बारे में नोटिस भी दे चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो ये कार्रवाई की गई। वहीं अनुकाद्यान ने कहा है कि उन्हें न्याय जरूर मिले। देखिए खुद तो मतलब ये कहते कि हम पॉलिसी लेके आते हैं, मतलब फिल्म पॉलिसी हम लेके आए हैं, तो उन चीजों को बनने क्यों नहीं दे रहे, वो फिल्में बनने क्यों नहीं दे रहे? अगर बनेंगी नहीं तो रिलीज कब होएंगी, कब हमारा हरियाणा ऊपर उठेगा, कब मतलब सारे कलाकार मतलब सब इन प्रॉब्लम से जूझते रहेंगे। और हमने तो कोई सब्सिडी भी नहीं मांगी, हमने तो इनसे कोई आर्थिक मदद भी नहीं मांगी थी, मैंने तो अपना पूरा जीवन दिया है इस चीज को, मैंने तो अपनी पूरे जीवन की कमाई लगाई थी, मैंने किसी से कोई मदद नहीं मांगी थी, और फिर मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं मतलब किया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे मतलब अधिकार नहीं है अपने कल्चर को ऊपर उठाने का? क्या मुझे अधिकार नहीं है अपने हजारों सपने पूरा कर, सपने जो मैंने देखे हुए उनको पूरा करने का, जो जहां मैं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे हरियाणा में उस टाइम पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सरकार ने मदद नहीं की, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाई। तो मतलब मैं ये तो चाहती हूँ ना कि जो आज बच्चे आ रहे मैं उनको तो पहुंचाना चाहती हूँ उधर, जो भी चीजें थी। देखिए मैं खुद कलाकार हूँ, मैंने मतलब वो बनाया इसलिए था ताकि आज YouTube का जमाना है, पहले CD का जमाना होता था, तो आज हम एक चीज को प्रमोट अच्छे से कर सकते हैं कि मैं मतलब खुद यहाँ पे कुछ ऐसी कल्चरल एक्टिविटी करूँ। मेरा चैनल है जट्टी म्यूजिक के नाम से, कि मैं उस पे डालूं और वो लोगों तक फैले, हमारी जो हरियाणवी है वो इंटरनेशनल लेवल तक जाए। तो मेरे जितने भी और साथी कलाकार थे हम लोग मिला के वहां पे मतलब अपना जो छोटा मोटा शूट है वो हम कर लेते थे, प्रमोट करें, तो आज वो चीज दिखाएं ना CM साहब, आज वो दिखाएं, वो कहते हैं बेटियों को कि हरियाणा की बेटियां हैं जितनी कि वो हरियाणा का नाम रोशन करें, तो आज एक बेटी को मतलब सपोर्ट करें ना, वो आज मुझे इंसाफ दिलाए ना, तब मैं मानू और तब मेरा हरियाणा माने इस चीज को। इस मामले की जानकारी देते हुए ATP अंजू जून ने पूरे मामले की जानकारी भी दी। ये कंट्रोल एरिया का पार्ट था जहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की थी, इसमें ऑफेंडर ईश्वर जी और ये पवन थे, इनको हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम हमने इनको नोटिस भी दिए हैं, शो कॉज नोटिस भी इशू हुआ है, इवन फिर उसको RO भी दिया गया है, इवन हमने SHO साहब जो सदर थाना के उनको भी इन्फॉर्म किया था, थ्रू लेटर इंटीमेट किया था कंस्ट्रक्शन स्टॉप करवाने के लिए, और इन्होंने शो कॉज नोटिस के रेफरेंस में ऑफेंडर ने एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट हमें दिया था, लेकिन एक्चुअल में वो फिल्म सिटी
वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसके अंतर्गत कल कार्रवाई हुई वहाँ पे। कितने एकड़ में थी मैम ये अप्रोक्स? 6 एकड़। एडीबी ने बताया कि गांव रोहट के खेतों में एक अवैध निर्माण हो रहा था, जिसको लेकर हमने कई बार इसके मालिक को नोटिस भी दिया था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए इसे खेती के लिए प्रयोग होना बताया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसको अब तोड़ दिया गया है। वैसे पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।